सांसद सत्येंद्र चंद गुड़िया की 14वीं पुण्यतिथि पर आज काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज में प्रातः स्वर्गीय तो
सत्यचंद गुड़िया जी काशीपुर के रत्न थे। सत्यचंद गुड़िया जी काशीपुर के लिए विकास दूत थे। सत्यचंद गुड़िया जी निष्पक्ष राजनीति के लिए जाने जाने वाले ऐसे और वो दो बार यहाँ के सांसद रहे। उन्होंने इस काशीपुर के विकास के लिए जितना हो सका उतना प्रयास किया। जो सत्यचंद गुड़िया जी की पुण्यतिथि पर मैं नहीं काशीपुर की पूरी जनता उनको नमन करती है, उनसे याद करती है। देखिए सबसे पहले तो मैं परम पूज्य सत्यचंद गुड़िया जी की जो चतुर्दश पुण्यतिथि है उस पर मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने हार्दिक अपने मन की भाव को ये कहते हुए कि मैं बचपन से अगर कोई एक ऐसे व्यक्तित्व को जानता हूँ देखता हूँ तो काशीपुर में अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो उनका एक अलग कदम के जो शासन पत्रक था उसमें अलग ही एक धमक थी। और काशीपुर की राजनीति में राजनेता के नाते भी मैंने एक चीज़ देखी है, मील के पत्थर के रूप में आज भी अगर कहीं चर्चा होती है तो मैं देखता हूँ कि सत्यचंद गुड़िया जी के व्यक्तित्व को याद किया जाता है और आम जो समाज के लोग हैं उनके व्यक्तित्व के लिए सराहते बनाए जाते हैं। ऐसा आज की परिस्थिति पर मैं आप देख लो कोटि कोटि नमन के भाई। एक अहंकार सत्य है सत्यचंद गुड़िया जी काशीपुर नहीं उस जमाने के युग में जब पटेल नहीं बना था तब से एक ऐसी शख्सियत रहे कि जो हमेशा जनता के लिए हर कार्य को लेकर उनकी समस्याओं को लेकर सजग रहे। उनका एक अपना अलग व्यक्तित्व था तो आज भी जब उनको याद करते हैं तो मन भावुक होता है। आज के दिन उनकी बच्ची पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जिन संस्थानों की वो नींव रख रहे थे आज उनको पलते फूलते देखकर अच्छा लगता है। और मैं अपनी तरफ से पूरे मीडिया परिवार को यही कहूँगा कि वो समाज के कार्य में जिस तरीके से लगे हुए हैं उसी तरीके से लगे रहें और जनता के हित के लिए काम करते हैं।